लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है क्योंकि आज पहाड़ी किले पे मेरी सुंदरी को मारा गया है और कभी मेरे बेटे को भी वो दुश्मन मौका पाकर के मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो कुल ही तहस नहस हो जाएगा। अब क्या करें, कहां ले जाए अपने बेटे को, किसको दे दे अपने बेटे को, किसको सौंप दे अपने जिगर के टुकड़े को, जिसकी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित रहे और अच्छे ढंग से बेटे की परवरिश भी हो जाए। कहां ले जाए, याद आया मुझे एक ऐसी वो जगह है जहां पर यदि हम अपने बच्चे को वहां जाकर उसे सौंप देंगे तो मेरा बेटा वहां सुरक्षित भी रहेगा और अच्छे प्रकार से इसकी परवरिश भी हो जाएगी। वो और कोई नहीं है, इसी जूनागढ़ राज के अंदर मेरा एक बचपन का दोस्त है, मेरा, जो दोनों एक दूसरे को भाई के ही बराबर समझते हैं और जिसका नाम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह है। वो जमींदार ठाकुर बीरा सिंह जिसका मान सम्मान इस सिकम चुनारगढ़ के राज के अंदर है, काफी खेती बाड़ी है, अच्छी हस्ती है। अपने बेटे को अपने दोस्त को सौंपूंगा, मेरा दोस्त है, मेरी बात को कभी इंकार नहीं करेगा। अब देर न करें, अपने बेटे को वहां छोड़कर आए हैं। लेकिन बिहारी लाल कहां है, बिहारी लाल तुम किले के सबसे ऊपर खड़े थे क्यों, ये बताओ। हाँ? किसी को आते जाते देखा है? साहब मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। नहीं देखा है ना? नहीं बिहारी लाल, कोई आया जरूर था, अगर कोई आया नहीं होता तो देखो वो दरिंदा आया और सुंदरी को मार दिया। सुंदरी को मार, और बिहारी लाल देखो अब तो मेरी सुंदरी हम सबों को छोड़कर चली गई। हम किसी खास काम से जा रहे हैं और जब तक हम वापस ना आ जाए सुंदरी की लाश के पास तुम्हारी ड्यूटी है, लाश की जिम्मेदारी है, इसकी देखरेख करना है क्योंकि दुश्मन मौका पार करके सुंदरी की लाश को भी किडनैप करवा सकता है। अगर गायब कर दिया इस लाश को तो मेरे पास कोई सबूत नहीं रह जाएगा और हम कहीं जा रहे हैं और एक चादर लाओ और सुंदरी की लाश को ढक दो। जी साहब। ठीक बेटे, अरे सुंदर तू तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मैं तेरी परवरिश करूंगा बेटे, तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ बेटे, चल मेरे। Thank you.
वाली। हाँ अब देखिए, यानी रियासत के जमींदार, गरीबों के मसीहा, जमींदार वीरा सिंह, जमींदार वीरा सिंह इस रियासत और ये हवेली के मालिक, जिनका नाम जमींदार वीरा सिंह, अब आपके समक्ष आ रहे हैं, गरीबों के मसीहा जमींदार वीरा सिंह। जानते हो कि मैं इस चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर वीरा सिंह कहलाता हूँ। मेरे दादा व मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज भी वो जमीन ठाकुर वीरा सिंह के पास कायम है। कायम है मालिक, कायम है। 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में ठाकुर वीरा सिंह की रियासत। सख्त नफरत करते हैं हम, सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से जो लोग हमारे शान के खिलाफ अपनी आवाजें उठाते हैं, और ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना। बोलो क्या समाचार मेरे मजदूरों के हैं? मेरे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं या कि नहीं आते हैं? जी मालिक, आपके जितने भी गरीब किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, समय से काम करने आते हैं और समय से जाते हैं मालिक। प्रसन्न, महान खुशी है मुझे। बिहारी लाल मालिक वो मेरे मजदूर हैं। हाँ मालिक, और मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, अगर मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझ लो वो परेशानी ठाकुर वीरा सिंह को। मालिक एक बात बताने को तो भूल ही गए बिहारी लाल। कौन सी बात है मालिक? कहने का मतलब जी कि बचपन के हम दो दोस्त हैं, दो दोस्त। पहला मैं ठाकुर वीरा सिंह और दूसरा मेरा दोस्त यशपाल सिंह। जी मालिक, बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है हम दोनों के बीच, बचपन की दोस्ती है जी। और आज भी दोस्ती सलामत है। क्यों नहीं? दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर मैं अपने दोस्त को जी
एक हफ्ते के अंदर ना देख लूं या कि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले तो एक दूजे के दिल को चैन नहीं आता। चैन नहीं मालिक, चैन नहीं। लेकिन बात क्या है? हाँ मालिक, लगभग आज पूरे एक महीने का समय गुजर रहा है जी, लेकिन मेरा दोस्त यशपाल जी मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? मालिक, हो सकता है किसी कारणवश किसी काम में फंस गए हो और आने का उन्हें मौका ना मिला हो। मालिक, नहीं बिहारी लाल, नहीं। अरे ऐसा कहां हो सकता है? इतना भी काम नहीं है मेरे दोस्त के पास कि अपने दोस्त से मुलाकात ना कर सके। हम मानते हैं कि उसे नौकरी लग गई है, हाँ। महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार में जी, सेनापति के पद पर कायम है मेरा दोस्त। लेकिन इतना तो वक्त है मेरे दोस्त के पास कि अपने दोस्त से मुलाकात कर ले। वो तो है ही मालिक। एक काम करो जी, सजाओ मेरे घोड़े को और चलेंगे हम अपने दोस्त के बंगले पर जी, और खुद मुलाकात करेंगे जी मालिक। मालिक, आप जिनके लिए बेचैन थे, घोड़ा सजाने के लिए कह रहे थे, वो आपके दोस्त आए हुए हैं मालिक, आए हुए हैं और गेट पे खड़े हुए हैं मालिक। अबे क्या मजाक करता है? नहीं मालिक, अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं मालिक, आपके दोस्त आए हुए हैं जी। हाँ देखिए मालिक, अबे बिहारी लाल मालिक, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। हाँ मालिक, मेरा दोस्त आया है और देखा नहीं साथ में आज अपने बच्चे को भी लाया है। हाँ मालिक, और तुम साले खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। जा जा फटाफट चाय नाश्ते कहीं जा। नाश्ते में पेवर चमचम और बच्चे के लिए एक गिलास लस्सी। अब जा। आओ दोस्त, स्वागत है आपका। अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में आए हो। स्वागत है दोस्त, बैठो दोस्त, बैठो। क्या बात है यशपाल मेरे दोस्त, तुम रो रहे हो, तुम्हारा चेहरा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या बात है मेरे दोस्त? अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है मेरे दोस्त? बोलो दोस्त, क्या बात है? तो किस आफत में इस समय आए हो बेटा? किस आफत में इस समय आए हो बेजान? और दोस्त सही बतलाइए, मुश्किल करूं आसान? नहीं
हकीकत बयां कीजिए, कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, और चंद्र लबों में किसका आया कीजिए, कौन ऐसी मेरे भाई तुम रो रहे हो। समझ गया, सब समझ गया मैं। अरे वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को ना समझ सके। मालूम हो गया मुझे, सब कुछ मालूम हो गया। लगता है आज सुंदरी भाभी से यानी कि आपकी पत्नी से पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया है जिससे कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा है, और तुम उसी बात को लेकर रो रहे हो। अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ मेरे दोस्त। मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर, हाँ मैं चलूंगा और समझा दूंगा सुंदरी भाभी को कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। तुम दोस्त क्यों परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सुंदरी भाभी से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। बोलो दोस्त, तुम रोए जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। और सर पे बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। सर पे बिजली आ गई और फूट गई तकदीर, और जुबान न कुछ कह पा रही, और दिल इतना के सुंदरी क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? बोलो दोस्त क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, जो अर्धांगिनी है किले पे वो बेपीर मारी गई। दोस्त जी ने कछीना सहारा गया, मेरे दोस्त हमारी कौन है वो हराम चादा, किसकी माँ ने ऐसा बेटा जन्मा है जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया? बोलो दोस्त, सिर्फ एक बार उस हराम जादे का नाम अपनी जुबान पर लाओ। पैदा करने वाली माँ की सौगंध
आज की रात उस हरामजादे की आखिरी रात हो। बोलो दोस्त, कौन है वो हत्यारा? मेरे दोस्त, मैं जब खुद ही नहीं जानता कि कौन है वो हत्यारा जिसने सुंदरी को मारा है, तो हम अपने दोस्त से किसको बताएं? क्या कातिल के बारे में कुछ मालूमात नहीं है? आखिर मेरे दोस्त, जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था, उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? अरे दोस्त, जिस वक्त सुंदरी का कत्ल हुआ था, उस वक्त हम अपने शिकम चुनारगढ़ के बॉर्डर पर तैनात। एक बात बताओ मेरे दोस्त, इस चुनारगढ़ के अंदर किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं? किसी पर शक है मेरे दोस्त? नहीं मेरे भाई, हमें किसी पर भी कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। बस करो मेरे दोस्त, बस करो। अरे जब किसी पर कोई शक नहीं है, किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह कर ही क्या सकता है? कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। और जो कहो दोस्त करने को तैयार हूँ, जो कहो दोस्त। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी। फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं, हाँ मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल वो कातिल हमारी नजरों में जरूर पड़ेगा। लेकिन दोस्त, इस मुसीबत के दिन में अपने दोस्त की चौखट पर आए हो। बेहिचक बोलो मेरे यार, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो फरमाओ मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त हंसते हंसते तुम्हारे लिए अपना गला कटा देगा। दोस्त, यही विश्वास उम्मीद करके आया हूँ और सोचता हूँ कहीं हमारा दोस्त तुम्हारी बात को ठुकरा न दे। नहीं दोस्त, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया कि तुम्हारे लिए ये सर कटा दूंगा, लेकिन दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो ठीक है दोस्त, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। कौन सी जिम्मेदारी है? बोलो दोस्त, कौन सी जिम्मेदारी है? कि अपना लख दे जिगर में और तुम्हें सौंपता, अपने बच्चे को। कि अपना लख दे जिगर में और तुम्हें सौंपता, सुबह होते कहीं भे छुपा ले। दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, दोस्ती की कसम है दोस्त, कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, समय आने पे बदला। ये मेरा बेटा सुंदर, अब आज के बाद तुम्हारे इस हवेली पर रहेगा, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा है कि अगर मेरा बेटा पहाड़ी किले पर रहेगा तो जिस दरिंदी ने सुंदरी को मारा है,
मौका पाते ही मेरे बच्चे को मार देगा तो मैं कहीं कभी नहीं रह जाऊंगा। इसीलिए दोस्ती की कसम है मेरे भाई, इस हमारी अमानत को, हमारे जिगर के टुकड़े को तुम अपने पास रखो, ताकि इसकी परवरिश, इसकी हिफाजत, इसका सेवन पालन अच्छे ढंग से हो जाए। मेरे दोस्त, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो। दोस्ती की सौगंध मेरे दोस्त, दोस्ती की सौगंध खा के कहता कसम आज भगवान की। हाँ दोस्त, खा के कहता कसम आज भगवान की। और कल फजर ले के बच्चे को छिप जाऊंगा, कल फजर ले के। जमानत को तैयार ऐसा करूं, इस जमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाएगा।